तुम हो देश का गौरव ना हो, विश्व गुरु का उदित सौरभ ना हो। ऐसा मेरे साथ साथ करो। तुम हो देश का गौरव, एक श्वास में एक अभ्यास। गौरव ना हो, विश्व गुरु का उदित सौरभ ना हो। देश की रक्षा क्या हो सुनिश्चित, वीरों में छलकता तेवर ना हो। ऐ जवानों, ये जवानी ये तो जिंदा दिली की निशानी नहीं है, ये तो जिंदा दिली की निशानी नहीं। ये रगों में भरा रक्त पानी नहीं है, ये रगों में भरा रक्त पानी नहीं है। नौजवानों, नमस्कार 10-12 बार तो जरूर कर लेना, और ज्यादा जवानी उमड़ रही हो तो 25-50 बार कर लेना, ठीक है? अब 25-50 बार ऐसी ही बैठक लगाना, एक तो आती है ना ऐसी, सिला लगाओ जवानों जैसे ये वैसे नम्र विश्वास, पहले भी ज्यादा मत करना नहीं तो पैर दुखने लगेंगे। अभ्यास होने के बाद लंबे लंबे श्वास से मजबूती से ये चलो। दंड बैठक रोज लगा लिया करो, साधारण दंड है। साधारण दंड तो ये पता है ना, ये ऐसे ये राम मूर्ति की वाणी है, ये दो तो सबको पता ही है, और तीसरा वक्ष विकासक है ये वाली, और फिर ये हनुमान दंड, फिर ये वृश्चिक ऐसे, फिर ये ऊपर से मारी तो दूसरा प्यास हो गया, फिर नीचे निकाला तो ये पार्श्व दंड, और फिर चक्री घुमा दी तो ये चक्रदंड, और फिर मार दी पलटी तो ये पलटदंड, फिर शेर की तरह यो मार दी दंड तो ये शेर दंड है, फिर ये सर्प दंड, और फिर ये लास्ट वाला ये तो मिश्र दंड है। तो इसमें से कौन सी करनी है? भुजाएं चौड़ी चौड़ी करनी है तो ये लगाओ, डिप्स बोलते हो ना अंग्रेजी में, वक्ष विकासक, तुम्हें ये लगानी है बहनों, मजबूत बनना है अंदर करके 25 बार, ठीक है? 25 बार ये वक्ष विकासक, और 25 बार फिर लास्ट वाला हो जाए 50 बार, देखी जाएगी। चलो य
योग करो योगी बन जाओ, दुनिया को योग की शक्ति दिखाओ। हर निर्बल को सबल बनाओ, प्रेममय हाथों से सबको उठाओ। 25 हो गए, फिर 25 ही हवाले कर लो, लगे हाथ काले आना ही करना। लंबे लंबे सांस भर लो, योग करो योगी बन जाओ, दुनिया को योग की शक्ति दिखाओ। हर निर्बल को सबल बनाओ, प्रेममय हाथों से सबको उठाओ। ये तुम्हारी हो, ये तुम्हारी जवानी नहीं ज्वार से कम, ये तुम्हारी जवानी नहीं ज्वार से कम। इसे यूं अकारथ गवानी नहीं है, इसे यूं अकारथ गवानी नहीं। ये रगों में भरा रक्त पानी नहीं है, ये रगों में भरा रक्त पानी नहीं है। नौजवानों बोलो, 50 बार कर लोगे तो पसीना आया। ऐसे आना चाहिए, एक बार तो टपकना चाहिए पूरा, फिर थोड़ी ऐसे भुजाएं मसल लिया कर। तो मजबूत हो जाएंगे। आपको कहीं जिम जाने की जरूरत? बाबा जी इतना करेगा कौन? आप करोगे और कौन करेगा? चलो हाथ उठाओ तालियों के साथ गाओ। तुम जो उठे तो देश उठेगा, अपनी स्वदेशी स्वदेश उठेगा। तुम जो उठे जो देश उठेगा, अपनी स्वदेशी स्वदेश उठेगा। फैलेगी आर्थिक आजादी, देश का उदयोन भाग्य जगेगा। है बनाना, है बनाना हमें ही ये राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ, ये देश का भी होता। ये रगों में भरा रक्त पानी नहीं, नौजवानों नौजवानों निरर्थक जवानी नहीं है। ये रगों में भारत माता की। तो कुछ जवानी समझ में आई, कुछ पसीना भी आया? पसीना आया तो समझ लेना जवानी है, नहीं तो समझ लेना दर्शन देके चली गई है। देखा, एक बार सुबह सुबह ना पसीने से रोज नहाना है। मैं आपको बता रहा था, ये पतंजलि के थोड़े से प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं। किसी को सुंदर भी बनना है तो फेयर एंड लवली नहीं लगाना। ये पतंजलि का सौंदर्य फेस वॉश है एलोवेरा वाला, ये तो फेस वॉश लगाना। ये एलोवेरा जेल है और ये एलोवेरा केसर चंदन जेल है। इसकी दो बूंद लगा लेना ऐसे माथे पर, और जैसे तुम्हारी माँ ने पैदा किया था ना, ऐसे ही प्रकृति माँ से तुम्हें सौंदर्य मिलेगा। ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं,
बच्चों के लिए भी हमने इशू सिक्योर बना रखा है। नहीं तो आपने देखा होगा ये जॉनसन एंड जॉनसन, उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है, क्योंकि एक लेडीज लगाती थी, सोचती थी बच्चे को जो कोई नुकसान नहीं करता तो मैं लगा लेती हूँ, लेडीज वाला पाउडर, लेडीज वाले तेल यूज करती थी कॉस्मेटिक, और उस लेडी को कैंसर हो गया। अमेरिका में केस किया और हजारों करोड़ रुपए देने पड़े इनको। हमने शिशु केयर से लेकर के माँ बहन बेटियों की काजल से लेकर के, ये हमने काजल भी बना रखी है, और ये सुहाग टीका भी बना रखा है हर्बल, और किसी को गिफ्ट में देना हो किसी के बर्थडे पर, ये तो बच्चों के लिए शिशु केयर का पूरा गिफ्ट पैक बना रखा है। हम तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए भी प्रबंध कर रहे हैं। तो फिर घर का सारा सामान, मिठाई से लेकर के एनर्जी बार, सोन पापड़ी, फिर अलग अलग तरह के आम कैंडी, अनानास कैंडी, ये सोन पापड़ी गाय के घी की, और आपको भी झोला भर के दे रहे हैं, खूब खाना और खूब खिलाना, बहुत जबरदस्त है। और नवरत्न सोन पापड़ी है, फिर ये एनर्जी बार, विदेशों में मिला करता था एनर्जी बार, हिंदुस्तान में पहली बार पतंजलि लेकर के आया है एनर्जी बार। हाँ, और इसमें फिर ये कुछ ये छोटी छोटी भी है, मिल्क बार 10-10 रुपए वाली भी है, फिर अलग अलग तरह के मुरब्बा, और गाय का शुद्ध देशी घी, गाय का शुद्ध देशी घी, ये इतना जबरदस्त है, लोग भैंस का घी खाते खाते गाय का दूध घी का स्वाद ही भूल गए थे। पहली बार हिंदुस्तान में गाय के घी की भी ब्रांडिंग पतंजलि ने ही की है, और गाय के मूत्र से हमने गोलाइट बनाया, अपने घरों में इससे पोछा लगाओ। फिर ये ग्लास क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर बन गया था, वो भी ग्रीन फ्लश करके अब जल्दी ही पूरे देश को मिल जाएगा, हर पिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पीली टोपी वाला पीली पीली लेकर के आता था ना, वो सब बंद हो जाएगा, ये सब प्रबंध कर रखा है। वॉशिंग पाउडर और बाथिंग सोप से लेकर के हर्बल मेहंदी से लेकर के सब प्रकार के हैंड वॉश से लेकर के, और सब बालों के तेल से लेकर के शैम्पू से लेकर के सब कुछ, अगरबत्ती से लेकर के, हाँ धूप बत्ती, आस्था पूजा सामग्री के नाम से सब कुछ मिल रहा है, और सारे रिफाइंड ऑयल, केमिकल से रिफाइंड ऑयल हार्ट के लिए बड़ा खतरनाक होता है, उससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, आँख के लिए कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कैंसर, न्यूरो प्रॉब्लम है, सली एमएस, ऑटोमेन डिजीज होती हैं, इसलिए हमने सबसे अच्छा होता है राइस ब्रान ऑयल, जिसमें फिजिकली रिफाइंड किया जाता है, ओरिजिनल से लेकर के उसके सारे प्राकृतिक गुण, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें रहते हैं। तो राइस ब्रान ऑयल से लेकर के और सोयाबीन का, मूंगफली का, सनफ्लावर का और ग्राउंडनट का, मूंगफली का, सोयाबीन का, सनफ्लावर का, सब जितने भी तेल दक्षिण में खाते हैं उधर नारियल का तेल, और दक्षिण भारत में सीसम माने तिल का तेल वो भी, और तिल का तेल तो सबसे अच्छा होता है, उत्तर भारत वालों को खाना चाहिए, एक जैसा तेल रोज नहीं खाना चाहिए, कभी सरसों का तेल, कभी राइस ब्रान ऑयल, कभी सोया ऑयल, कभी ग्राउंडनट ऑयल, कभी सनफ्लावर ऑयल, कभी कोकोनट ऑयल, अलग अलग प्रकार के सारे तेल, और जो भी घर में ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के बिना मैदा के, बिना कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट के बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल जितने भी है, लेकर के म्यूसली से लेकर के चोको फ्लेक्स सब कुछ, तो एक संकल्प ले लो कि घर में जो भी हम प्रयोग करेंगे वो पतंजलि का ही प्रोडक्ट प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए, मेरे सेहत के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए और मेरे देश की समृद्धि के लिए, और योग करेंगे तो कोई बीमारी होगी नहीं, फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर ये दिव्य फार्मेसी, इसमें मधुनाशिनी पहले आती थी, अब उसका ये एक्स्ट्रा पावर पैकेट हमने लॉन्च किया है, तो मधुनाशिनी और मधुकल्पवटी और बीपी के लिए मेधावटी, ये नए पैक में ये
पतंजलि और दिव्य फार्मेसी ये भी अपना लगभग 25 साल पुराना ब्रांड है। तो आयुर्वेद की औषधियों को भी प्रामाणिकता के साथ बनाया है और करीब 200 साइंटिस्ट और करीब 1,00,000 लोग इस काम में लगे हुए हैं और आगे संकल्प है 5,00,000 लोगों को रोजगार मिले और 5 करोड़ किसानों को इसके साथ सीधा जोड़े। आंवला एलोवेरा के जूस से लेकर के सब कुछ, नहीं तो अब हमें याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो सब ब्रह्मचारी रिन साबुन प्रयोग करें, बोले इससे अच्छा विकल्प नहीं है, हमने रिन का विकल्प दिया। पतंजलि वॉशिंग पाउडर, पतंजलि जो है एडवांस जो वॉशिंग पाउडर प्रीमियम सुपीरियर, अलग अलग तरह की 3 कैटेगरी के बनाए, जैसे उनका व्हील आता है, फिर रिन आता है, फिर एक और बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं सर, ये सब यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। घर में कोई भी उत्पाद ऐसा नहीं है और इसके लिए आप किसी मेगा स्टोर पतंजलि चिकित्सालय में चले जाते हैं या आरोग्य केंद्र में चले जाते हैं, लगभग पूरी रेंज आपको मिल जाती है। और आगे हमारा लक्ष्य है, इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे और खुले बाजार में, ओपन मार्केट उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें भी ये पतंजलि के सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अभी गर्मियों में शरबत है, जूस है, दूसरी कंपनियां जूस के नाम पर पानी में मीठा घोल घोल के थोड़ा फ्लेवर डाल के बेचती रहती हैं। पतंजलि के जो जूस हैं इतने शुद्ध हैं। अब आपको सेब का जूस दिखाता हूँ मैं, सेब का, और इधर एप्पल जूस ले क्या हो, इधर रखा आगे, इसमें छोटा पैक भी है और बड़ा भी है। ये जितने का सेव होता है और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं होता है, 100% प्योर जूस है ये, 12 महीना पी सकते हो आप इसको। सस्ता क्यों होता है, क्योंकि मौसम के समय बल्क में खरीदते हैं सेव, उस समय सस्ते होते हैं, बाद में कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता है, उनको फिर बहुत तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं। जितने रुपए में सेव मिलता है उससे में जूस मिल जाता है, सेव का जूस पिलाओ अपने बच्चों को। बाकी सारे भी हैं, गुआवा है, लीची है, सारे जूस हैं, सब प्रकार के शरबत हैं, आयुर्वेद की सारी दवाइयाँ हैं कुल मिलाकर के। और हाँ, पतंजलि पशु आहार भी है। कुल मिलाकर के इस समय पतंजलि के 1500 प्रोडक्ट हैं, 1500 यदि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, आयुर्वेद की औषधियाँ और सारे प्रोडक्ट्स जोड़ दिए जाएं। और अगले साल तक हमारा विचार है कि आपको पतंजलि के कपड़ों के भी स्टोर मिल जाएंगे, माताओं बहनों को सलवार कमीज से लेकर साड़ी से लेकर के अंडर गारमेंट से लेकर के, पुरुषों को कच्छा बनियान से लेकर के, और तुम्हारे लंगोट से लेकर के कोट तक, पैंट से लेकर के जीन्स तक, जो भी मिलेगा देसी मिलेगा आपको पूरा। पहली बात तो ये कि देसी चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन दो, और कभी किसी जवान को पहनने की भी इच्छा हो तो देसी पहनना, विदेशी नहीं। ऐसा एक पूरे देश में वातावरण बनाना और विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट से इस हिंदुस्तान को बचाना है, ये बहुत बड़ा कार्य है। और इसके लिए अलग अलग प्रकार की ये पतंजलि की सेवाएं आपको मैंने थोड़ा सा उनके बारे में बताया, और आपको इसलिए मैंने बताया कि योग से जोड़ो सबको, आयुर्वेद से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ो, स्वदेशी से जोड़ो, अपनी संस्कृति से जोड़ो, अपने स्वधर्म से जोड़ो, अपनी परंपराओं से जोड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ के, और जड़ता में नहीं जाना, जड़ों से जुड़ के और मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जैसे पतंजलि ने किया है। हमारे पास में विशुद्ध आध्यात्मिकता और भारतीयता भी है और श्रेष्ठतम आधुनिकता भी है, आधुनिकता भी है, सारे काम एक साथ करने। तो इस काम का खूब प्रचार करो कि ये धर्म है हमारा, ये कर्तव्य है हमारा, ये देश के प्रति दायित्व है हमारा। तो इस तरह से योग का आयुर्वेद का कार्य, स्वदेशी की सेवा का ये कार्य, इसमें जिसका जितना सामर्थ्य है उतना आपको सहयोग करना है। और हमने बताया था कि आपकी जो विभिन्न प्राथमिकताएं हैं कि अंशकालिक सक्रिय कार्यकर्ता, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, और जो शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिनका देह दिव्य है, जो एक योगी के तरह जिनका व्यक्तित्व है, और
पूरा जीवन योग के लिए जीना चाहते हैं कि एक ही जीवन का लक्ष्य कि ये मेरा जीवन योग के लिए, ऐसे भाई बहनों को जो एक जुनून की तरह एक मिशन की तरह एक पागलपन एक उन्माद किसके लिए, योग के लिए कि मुझे योगी बनना है, सबको योगी बनाना है, तो ऐसे भाई बहनों को योग प्रचारक बनाना है। फिर सोशल मीडिया पर अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपनी संगठनात्मक ताकत को बढ़ाना है, एक साथ आपको कई दायित्वों को निभाना है और इसमें बहुत से भाई बहन निष्ठापूर्वक दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे सभी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे देश में 1,00,000 से ज्यादा निःशुल्क योग की कक्षाएं हमारे कार्यकर्ता भाई बहन चला रहे हैं। आगे लक्ष्य है बहुत जल्दी 1 से सबको 10 हो जाना है। मैंने भी ऐसे शुरू किया था, 1-2 लोगों से मैंने यात्रा शुरू की, फिर हजारों फिर लाखों करोड़ों जुड़ते गए। आपको 1 से 10 होना है, अपने जैसे कितने बनाने कम से कम बोलो, तो 1 और 10 और जुड़ गए तो कितने हो गए, 11। और 11 बनते ही है ना अंग्रेजी में विक्ट्री की निशानी हो जाती है। जब 1 से 11 हो जाओगे, अपने जैसे 10 और बना दोगे तो बस विजय हो जाएगी और पूरा देश योगमय बन जाएगा, अध्यात्ममय बन जाएगा और आध्यात्मिक भारत आध्यात्मिक विश्व स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही तो सपना है हमारा। हाँ, 1 से 11 होना आपको लक्ष्य, और योग की कक्षाओं को बढ़ाओ, एक ही लक्ष्य ले लो बस, संगठन को बढ़ाओ, सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाओ। और फिर अलग अलग पतंजलि की सेवाएं हैं, योग आयुर्वेद स्वदेशी से लेकर के शिक्षा से लेकर के अनुसंधान से लेकर के गौ सेवा से लेकर के कृषि से लेकर के प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के। और अभी पूरे देश में आचार्य कुलम की स्थापना, विश्वविद्यालय विश्व का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय, विश्व के सबसे श्रेष्ठ खेल खिलाड़ियों की व्यवस्था, और पूरे देश में एक बहुत बड़ा कार्य आने वाले 10-15 सालों में होने वाला है। और बहुत जल्दी ही जो देश की सीमाओं पर लड़ते लड़ते और देश के अंतर्द्वंद्वों में भी जो हमारी सेनाओं के अर्धसैनिक बलों के जो जवान शहीद हो जाते हैं, उन शहीदों के बच्चों के निशुल्क शिक्षा के लिए एक आवासीय शहीद सैनिक स्कूल का भी निर्माण पतंजलि जल्दी ही करने वाला है। हो सकता है ये काम इसी साल हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा। फिर आस्था संस्कार आदि, ये 5 तो चैनल चलाते हैं अपन, आस्था संस्कार, आस्था भजन, सत्संग, अरिहंत, और अभी वैदिक चैनल भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिससे आप घर बैठे वेद दर्शन उपनिषद संस्कृत और रामायण महाभारत भगवत गीता आदि सब पढ़ सकोगे। ये सारे काम कोई ऐसे साधारण कार्य नहीं है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र किया है। और अलग अलग क्षेत्रों में जब मैं समय शक्ति ऊर्जा लगा रहा हूँ तो आपको भी मैंने कहा एक आहुति आपने अर्पित करनी है। और आचार्य कुलम से लेकर के संस्कृत गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अनुसंधान की, गौ सेवा की, भारत माता की सेवा की, जो अलग अलग जो ये यज्ञ चल रहे हैं, इन सब में अपनी अपनी आहुतियां देते हुए आप सबको ये जो योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का ऋषि परंपरा का जो तीर्थ है, अभी जैसे हरिद्वार में फूड पार्क बना है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इस समय का फूड पार्क है, ऐसे 5 फूड पार्क और 50 छोटी छोटी इकाइयां बन रही हैं। ये इतना बड़ा सब सेवा का कार्य है, नहीं तो हम भी कहते बोले हम तो फकीर हैं, हमको क्या लेना देना, राम नाम सत हरिओम तत्सत बाकी सब गप सत, कुछ भी बोलते रहते थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सही अर्थ समझते नहीं थे योग और अध्यात्म का। हम कहते हैं अभ्युदय निश्रेयस, सांख्य दर्शन में ऋषि कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे हमारे जीवन में भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति हो, भीतर और बाहर से हम उन्नत बने, वो है सच्चा धर्म। दरिद्रता धर्म नहीं है और आत्म विमुखता नास्तिकता भी धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्षता होती ही नहीं है। हाँ, पंथ निरपेक्ष हो सकते हो, किसी पंथ का आग्रह नहीं होना चाहिए। तो आप सब भाई बहनों को
ये बहुत बड़ी सेवा। और अब 21 जून का भी कार्यक्रम आ रहा है, उस समय भी पूरा एक आंदोलन की तरह इसको बढ़ाओ, योग शिक्षकों को तैयार करो अपने अपने ज़िले में। अभी कुछ राज्यों में तो बहुत आदर्श कार्य हो रहा है, एक बार उन राज्यों के लिए और राज्य के जितने भी हमारे राज्य प्रभारी और जिला प्रभारी उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उत्तराखंड में बहुत अच्छी सेवा हो रही है, दिल्ली में, हरियाणा में, ऐसे कितने प्रदेश हैं जहाँ बहुत अच्छे से कार्यकर्ता सेवा दे रहे हैं। अरे सुदूर दक्षिण के प्रांतों से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लेकर के, और उधर नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय, सिक्किम से लेकर के, दूर दूर से और पूरे देश से। अब बस जहाँ कम सेवा हो रही है वहाँ आप अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपना स्वधर्म राष्ट्र धर्म निभाते हुए इतना सेवाओं का विस्तार दो। युवा भारत के कार्यकर्ताओं को संस्था की ओर से जो भी सहायता की आवश्यकता होगी, संस्था आपके साथ 24 घंटे और पूरी जिंदगी भर खड़ी हुई है। आप करो सेवा। और बहुत से हमारे भाई इसमें पूरी निष्ठा से लगे हैं और बहनें भी अब बड़े संख्या में सामने आई हैं। तो एक बार बहुत जल्दी ही अब युवा भारत की मातृ संगठन का भी, महिला संगठन का भी निर्माण शीघ्र ही किया जाएगा। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। महिला पतंजलि योग समिति ये तो बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही है, हमारी बहुत ही विदुषी और बहुत ही पराक्रमी आदरणीय डॉक्टर सुमन बहन जी, वो भी आचार्य हैं, व्याकरण दर्शन वेदों की विदुषी हैं और पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित किया है। और इस क्रम में अभी 100 से ज़्यादा बहनें हमारे पास आ चुकी हैं, कुछ बहनों को सेवा में अर्पिता हैं, अदिति है, बहुत सी वो भी एमटेक करके आई हुई है, पूरी सेवा में लगा चुके हैं। ऐसी बहनों को, बहुत सी बहनों का महाभाष्य आदि, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि पूरा हो चुका है, उनको भी लगा रहे हैं सेवा में। ऐसे ही करीब 400-500 भाई हमारे पास में तैयार हो चुके हैं। तो एक तरफ से हमारे आचार्यगण, एक तरफ ये हमारे ऋषि ऋषिकाओं की तरह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बनाएंगे, दूसरी तरफ एक एक जिले में कार्यकर्ता बनाएंगे, फिर योग प्रचारक भी सेवा देंगे, इधर से सभी भाई बहन निःशुल्क योग की शिक्षा, और शहरों में, गांवों में, तहसीलों में, पूरे देश में, हर जाति मजहब के बीच में योग को लेकर के जाएंगे और अपने आँखों के सामने, अपने हाथों से हम योगमय संस्कारमय भारत बनाएंगे। ये बहुत बड़ा सेवा का दायित्व है और इसको प्रामाणिकता से आपको निभाना है, आप निभा रहे हैं।